गुड मॉर्निंग। सो बहुत ही लंबे गैप के बाद वी आर शूटिंग द व्लॉग वंस अगेन। तो सोचा संडे है तो लेट्स यूटिलाइज दिस संडे एंड मेक अ गुड व्लॉग, शो यू अ न्यू डेस्टिनेशन। एंड देयर विल बी टू मोर राइडर्स जॉइनिंग अस टुडे। वन विल बी आर्श, हु इज द एडमिन ऑफ एओजी गुजरात, दैट्स द अपाची ओनर्स ग्रुप ऑफ गुजरात। ही विल बी जॉइनिंग अस फॉर द राइड टुडे। इट्स वेरी फॉर्चुनेट ऑफ हिम टू जॉइन अस। उसको आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं हर बार उसकी टांग खींचता रहता हूँ। सो finally he is joining us today and one more person is a surprise. I'll get introduce him to you in the vlog when we'll stop for chai or breakfast. So yeah, let's get this day started. Sorry meri wajah se late ho gaya aaj. वहाँ पे वेट कर रहा है कपूराई। एंड वी हैव रीच द हाईवे, वी विल मीट अवर थर्ड राइडर। हाँ कहीं छू, हाँ वो कृष्णा पर जो कृष्णा पर आए। गुड मॉर्निंग, धन्य थे गया आज हमारा भाग, हमें तमारी जोड़े राइड करी रहा है। एडमिन ऑफ एओजी गुजरात, बाइक पार्क कर दे, चाय पी ले भाई, निकलिए। So it is decided we are going towards Shanti Niketan Ashram, which is on the route of Narmada Parikrama. जो लोग चलते चलते नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उस रूट पे फॉल करता है ये आश्रम। 30-40 किलोमीटर का थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच था, वी वॉन्टेड टू डू सम ऑफ रोडिंग अ बिट। वैसे ये रास्ता जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर, इसीलिए यहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक है अभी। बट हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पहले ही अभी टेकिंग अ टर्न एंड विल बी गोइंग टूवर्ड the ashram, which is it's very much close to the Gujarat Maharashtra border near Zarwani waterfalls, ki bahut hi famous waterfall hai, because we can get away kind of a place, but aaj bhai log bhi saath mein hai to kafi maza bhi aane wala hai। So loom lewa atli badi extra market accessories na khau jo after market extra market humne khabar na padan kan ke main na khauta na thi kaadi na ke kaam kare na are kaadi na kare kar kahu jo बोलो चड्डो पर अपनी आगन निकली गई शू करे थे तू चल जल्दी कर ये न्यू ऊपर की वजह तो मैं सुबह सुबह इतना सारा ट्रैफिक जाम। ओह रेलवे क्रॉसिंग डैम, बट हमारे पास बाइक है। थोड़ा सा हॉरर मूवी का सीन जैसा नहीं लग रहा है ये? देखो जस्ट अगर रात को निकलो और अगर अकेले माँ का समय तो हट जाए वो। कैनाल में पेड़ गिरे हुए है, कैनाल में सब पौधे उग रहे हैं। और ये देखिए गूगल मैप्स हमें फिर से कहाँ पे ले आया। उनके तो दोनों के मजे है भाई, वो अपाची पीछे एक्सपल्स। आइए आप भी आगे आ जाइए। वाह अपने ही लगे पड़े, अपन को जाना पड़ेगा धीरे धीरे। अरे बाप रे धुआ धुआ। तो वी स्टॉप टू रिफ्यूल द चंपा गली ऑफ आर्स, भी हम चलाएंगे एक्सपल्स। चलिए जी लेट्स गो। ओहो भाई साहब सुपर कंफर्टेबल मशीन। थोड़ा सा टॉप स्पीड का इश्यू है इस बाइक में, बट जो राइडिंग कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है ब्रो। लेट्स गो नाउ। अरे बाप रे भाई साहब थोड़ा धीरे भैया थोड़ा धीरे। सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक अ डिफरेंट रूट। दिस रोड गोज टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से 11 किलोमीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। We are going straight towards Lal Pipra. Tiju Mamma ko khinchte hue, I don't know fog mein visible hoga ya nahi, but wahan pe Statue of Unity hai. This is the Narmada River. And it's exactly at that point. So the bikes have been parked over here. First break humne liya hai after a good amount of about लाइक 85 किलोमीटर्स राजू ऑमलेट पे। सोचा थोड़ा ब्रंच जैसा ही कर लेते क्योंकि आगे कुछ अच्छा हमको खाने को मिलेगा नहीं। सो वी आर गोना ईट ओवर हियर एंड ही इज द कल्प्रिट, इसकी वजह से लेट हुआ है। गूगल मैप्स नॉट मी। तुमको गूगल मैप्स देखना आता नहीं है ना? लेकिन नहीं आता ना, 3 साल लेट में चला। आपको कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं, एडमिन के बारे में क्या बोल सकते हो? बराबर बात है। तो फटाफट यहाँ पे नाश्ता करेंगे एंड देन विल गेट बैक ऑन द रोड।
So we had our breakfast over there. Itni zyada dhoop ho chuki hai. We are leaving from Rajpipla and will be going towards Dedhiyapada. Yahan se pura ka pura jungle area start ho jata hai. And after Dedhiyapada we will be expecting some off roads. Bina time waste kiye, let us reach our destination. Finally we are here. Jungle ke andar hum enter kar chuke hain and guards have started. Aur ye pagal ho gaya yaar apna. पहाड़ दिखे नहीं गए आर्ष भाई, हमारे पागल हो जाते हैं। Just look at the way he will lean. Oh. We have now entered the Sul Paneshwar Wildlife Sanctuary. Proper jungle. It's a proper jungle this is. So it was too much hot और काफी dehydrated हो गए थे हम, so we stopped over here to have some water. आर्ष के पास से अपनी टैंक बैग के अंदर से उसके पास एक थर्मोस्टेट बॉटल निकल गया जिसके अंदर हमने ठंडा पानी भर दिया है, क्योंकि अब यहाँ से आगे वी डोंट थिंक सो हमें कुछ ठंडा पानी वगैरह मिलेगा। क्या हो गया सर? ट्रक के ऊपर जो बैठे ना उसमें जलाती है पिकअप ट्रक है ना। आपको भी आया ना स्मेल? मेरे को भी आया, वो तुरंत पता चल जाता है डिफरेंस उसका। तो अभी ज्यादा बातचीत नहीं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लोकेशन पे पहुंचते काफी लेट हो गया। ऑल थैंक्स टू द एडमिन ऑफ एओजी भाई हमारे, एंड द एक्सपल्स इज शाइनिंग ऑन दिस ऑफ रोड। हाँ भाई। एंड नाउ बिगिंस द ट्रू जर्नी, द प्योरली ऑफ रोड ट्रैक ऑफ 14 किलोमीटर्स। अभी आएगा ना मजा बिड़ू। अभी मजा आएगा ना बिड़ू। क्या था? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा हिसाब में नहीं चलाऊंगा तो मैं गिरने वाला हूँ आज। आई शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस इज नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडिंग मशीन एंड आई शुड राइड इट अकॉर्डिंगली, वरना अगर यहाँ नीचे वीचे गया ना भाई लगने वाला है मजबूत। लोग वहां से जा रहे हैं और ये हमारे अंदर का कीड़ा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये इंजन इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना हैवी बीएचपी इंजन है ये कि अगर मैं जरा भी ओवर रेव कर दिया मैंने इस मिट्टी वाले रोडों पे तो पीछे बहुत ही गंदा वाला व्हील स्पिन हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन अ वेरी कैटास्ट्रॉफिक फॉल जो मुझे नहीं चाहिए। अभी सुधर सांबर पाछड़ पहली दुकान खुल लिया थी, हमने पूछी ली है चल। सो वी हैव टेकन अ स्मॉल स्प्राइट ब्रेक ओवर हियर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो रुक रुक के जाना पड़ रहा है, हर 15-20 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक हो रहा है अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। क्या कर रहे हो? हाइड्रेटिंग माइसेल्फ। दोनों हाथ से करो। आराम 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 से, आपका शूज़ का ग्रिप एक्सपल्स जैसा नहीं है। सो यहाँ से ये रोड जाएगा माथासार की तरफ, वहाँ पे हम आश्रम पे होके केवड़िया होके हम रिटर्न जाने के लिए एक दूसरा रूट पकड़ेंगे। सो सी यू गाइस बैक फ्रॉम द रोड। बॉस लद्दाख की याद दिला दी कसम से। माइंड ब्लोइंग।
सो प्लीज़ एक्सक्यूज माई हेलमेट हेयर। फाइनली बहुत सारा ऑफ रोडिंग के बाद वी हैव रीच्ड द नित्यानंद आश्रम। एज यू कैन सी ओवर हियर इट्स जस्ट बिहाइंड मी। सो ये जो रोड आप देख रहे हैं दैट गोज़ फ्रॉम हियर एंड कम्स फ्रॉम हियर, ये है नर्मदा परिक्रमा का रास्ता। तो स्वामी जी हमें बता रहे थे कि जो भी लोग यहाँ से परिक्रमा करते हैं, हैपन्स इज़ दैट इनका ये एक निःशुल्क सेवा आश्रम है जहाँ पे ये आने जाने वाले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाते हैं। दे गिव देम अ प्लेस टू स्टे ओवर हियर, यहाँ पे वो बैठ सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। वी केम फ्रॉम डेढ़िया पड़ा वेर एज़ वी शुड हैव कम फ्रॉम केवड़िया, बट नो वरीज, रिटर्न जाते जाते वी आर टेकिंग द केवड़िया रूट बैक एंड प्रॉबेबली वो रास्ता अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ से अभी 7 और किलोमीटर ऑफ रोडिंग है। एक्चुअली अभी बज गए दोपहर के 2, इतने बजे हमने सोचा था कि वी वुड बी बैक इन वडोदरा। ये कहते हैं कि यहाँ पे इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिलती, ऑल्सो यहाँ के जो गांव वाले होते हैं वो भी इनकी कोई हेल्प नहीं करते। इनके 2 बेटे हैं हु वर्क और वो कमा के जो भी कुछ लाते हैं घर में उसी से ही आश्रम चलता है, उसी से लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो या आप लोग यहाँ से पास बाय हो रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अमाउंट डोनेट कर दे, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर डूइंग दिस परिक्रमा। या एडमिन साहब चलो जाना नहीं है घर, आखिर दीवार रसोड़ा दो ही चार मारा बीजा एक टुकड़ा आ जाए तो सीधे में मुगले तो लग ना बीजा आ जाए। चीयर्स। ए बाप रे, कम ऑन मामा कीच।